पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा का नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेना के चलता है। वाह वाह, ये हो स्थिति है, क्या बात है, ये लेना ले ले। हाँ दादा, शादी के लिए आपके ससुराल वालों ने भेजी है। क्या ससुराल वाले भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हाय स्थिति ऐसी है। साउंड बढ़िया आपका, पूरा खेल साउंड का होता है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी विधायक जी, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कहता नहीं वो बकरुद्दीन मवेशी कह रहा ना, अकबरुद्दीन मवेशी जी, मेरे को बकरुद्दीन मवेशी बताया। वो कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे भैया ये छोटू मत जा, वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा, तू चल ले चप्पल उठा के बैठ जा, बैठ, मुझे नहीं बोल रही, और टूट के चल गया। तब स्थिति ऐसी हो गई मेरे देश की, वो जे नहीं बोल रहा है। ये अपना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसमें प्रतिभावान बच्चे हैं जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, और बेवकूफ कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन को छुरी रख दो। मैंने कहा कि मतलब मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। क्या बात, ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की जय। ये उसी बेवकूफ के कारण हो रही है, तू चप्पल उठा के चल गया। साउंड बढ़िया आपका, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी कहता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं, माँ के महत्व के बारे में बताया मेरे भाई ने, महेंद्र ने, क्या होती है माँ, क्या होती है भाई साहब, बातें मत करो, माँ क्या होती है, इधर देखो माँ क्या होती है, माँ क्या होती है उस बेवकूफ को मालूम नहीं। जिस दिन वो अपने माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन कभी बात से बच पाएगा। जिस माटी में बड़ा हुआ, जिस माटी में खड़ा हुआ, जिस माटी का खाया, उस माटी की जय बोलने में शर्माता है। उस बेवकूफ को कह देना चाहता हूँ, भाई साहब सुनो, माँ ममता है, पिता प्यार है। भाई साहब।